दिस इज मी शालिनी, वेलकम बैक टू माई चैनल शॉपिंग कॉर्नर विद शालिनी। सो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए लेके आ गई हूँ मीशो से परचेज किए हुए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से कलेक्शन वेडिंग सीजन एंड पार्टी फंक्शंस के लिए। बिकॉज अभी वेडिंग सीजन रनिंग है और बहुत सारे आपको पार्टियाँ अटेंड करनी है, तो उसके लिए मीशो से भी एक वीडियो होना बहुत कंपल्सरी था। तो फाइनली मैंने वीडियो लाया है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस का ये आज का हॉल होने वाला है। सो बहुत अच्छे से बजट में आपके फिट भी हो जाने वाला है। सो इनकेस अगर आज के हॉल में से आपको कोई भी साड़ी पसंद आती है, आप उसे परचेज करना चाहते हो, तो इनका आपको कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ से कोड लीजिएगा, मीशो में सर्च करिएगा एंड आप इजीली इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के। जो आज के हॉल की मैं स्टार्टिंग करूँगी ना, वो येलो कलर से करूँगी, बिकॉज मैंने बोला वेडिंग सीजन भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे मैंने ना एक बहुत खूबसूरत सा येलो कलर का साड़ी पिक किया है। जो भी मैं प्रोडक्ट शो करूँगी ना, उसकी ओरिजिनल इमेज एंड प्राइस आपको किसी ना किसी साइड में शो हो जाएगा। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस का अप्रॉक्स अंडर 500 के मैंने इस साड़ी को पिक किया था। बहुत खूबसूरत सा, परफेक्ट फॉर हल्दी फंक्शन वाली ये साड़ी होने वाली है आपकी। एंड इस साड़ी का मैं ओपन करके पूरा एरिया आपको शो कर देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आपको गोटा पट्टी का वर्क मिल जाएगा ट्रायंगल शेप वाला, एंड यहाँ पे भी मिलेगा। हल्का पतला ही बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया है, बट बहुत डिसेंट आपको लुक दे रहा है। कलर कॉम्बिनेशन रेड के साथ येलो है, सो आप थोड़ा सा बोल सकते हो ना बांधनी वाला टच मिल रहा है साड़ी को। साड़ी का फैब्रिक बहुत ज़्यादा खूबसूरत शिफॉन वाला है, प्लस हल्की सी शाइन भी आपको फैब्रिक के अंदर मिल जाने वाली है। सो पूरी साड़ी आपको इसी तरीके से जाने वाली है। छोटे छोटे हल्के हल्के से आपको प्रिंट मिल जाएंगे, कुछ बांधनी आप कह लो या लहरिया, कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो ये ऊपर का साइड आपको मैं शो कर रही हूँ, अप्रॉक्स 2.5 मीटर के आपको यहाँ मिल रहा है ऊपर के साइड में लेस। देन पूरी साड़ी आपकी रनिंग जाएगी एंड ये सेम लेस ना आपको नीचे के साइड में भी प्रोवाइड किया गया है, जो मैं अभी आपको शो करती हूँ। लेंथ साड़ी की 5.5 मीटर है, विड्थ भी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप 5'5" तक हो या 5'6" तक हो तो आप इस साड़ी को ड्रैप कर लोगे, अगर उससे ज़्यादा हाइटेड हो तो नहीं आएगी, बिकॉज थोड़ा सा श्रिंक होने वाला इसका फैब्रिक मुझे ऐसा लग रहा है। एंड नीचे के साइड में भी आपकी फर्स्ट ड्रैपिंग जहाँ ख़त्म होती है ना, इतना छोड़ के आपको नीचे के साइड में भी सेम गोटा पट्टी का वर्क मिल जाने वाला है। साथ ही साथ आपको बहुत ही प्यारा डार्क रेड कलर का प्लेन सा फैब्रिक प्रोवाइड किया गया है 80 सेंटीमीटर आपके ब्लाउज के लिए। इसके ऊपर भी आपको इस तरीके का गोटा पट्टी लगा के दिया गया है। अच्छा, इस साड़ी में जो गोटा पट्टी का वर्क आपको मिलेगा ना, वो कैनवास पट्टी के थ्रू मिल रहा है, जिससे जो वर्क है ना वो थोड़ा सा टाइट टाइट सा बना रहता है। सो इस वजह से आपको यहाँ पे अटैच करके दिया हुआ है थोड़ा सा ट्रायंगल शेप वाला अगेन लेस का वर्क, तो ब्लाउज बहुत खूबसूरत बनेगा। ओवरऑल साड़ी का लुक बहुत अमेजिंग आ रहा था, आप साइड में देख सकते हो, प्लस बहुत ज़्यादा इजी है ड्रेपिंग के लिए। आपकी खुद की अगर हेल्दी है ना तो भी आप उसमें इस साड़ी को बहुत इजीली पहन सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी का है तो उसमें भी आप ड्रेप कर सकते हो। सो बजट फ्रेंडली है, डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो। मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस, हल्दी फंक्शन हो गया, अभी हम आएंगे मेहंदी के लिए। तो मेहंदी के लिए मैंने बहुत प्यारा सा दो ऑप्शन रखा है। तो फर्स्टली मैं आपको ये रेड के साथ जो कॉम्बिनेशन इसका मिल रहा है ना, वो मैं शो करूँगी। अच्छा, इस साड़ी को मैंने बहुत पहले से देख रखा था मीशो के ऊपर, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी थे, तो फाइनली मैंने इस बार ले ही लिया। काफ़ी क्लासी दिख रहा था एंड क्लासी रिसीव भी हुआ है, तो मैं आपको शो करती हूँ। पहले ना बहुत ज़्यादा मल्टी प्रिंट वाली ये साड़ी आपको मिलेगी, बहुत सारे इस पर प्रिंट बने हुए हैं। लगभग आप जो राजस्थानी वाले जो प्रिंट आते हैं ना साड़ियों के ऊपर, वो वाले प्रिंट आपको मिलेंगे, हाथी घोड़े बने हुए हैं। प्लस इस पर आपको लेस का वर्क मिल जाएगा, लेस के वर्क पे भी ना आई थिंक आपको हाथी बने हुए हैं, कलश बने हुए हैं, तो पूरी ना राजस्थानी वाली वाइब्स आ रही है। प्लस साड़ी बहुत खूबसूरत है, फैब्रिक इसका इटालियन सिल्क है, बहुत सॉफ्ट बहुत शाइनी होता है, बहुत ईजिली ड्रैप भी हो जाता है। तो साड़ी का जो अंदर का आपको एरिया मिलेगा ना, इस तरीके से बॉक्सेस के अंदर कुछ डिज़ाइनिंग मिल जाएगी आपको। देन ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में सेम लेस सेम बॉर्डर क्रिएट करके दिया हुआ है, जो कि प्रिंट के साथ जाएगा। इस पर भी आपको हाथी घोड़े राजा महारानी बने हुए हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट राजस्थानी लुक वाली ये साड़ी आपको जाएगी। पर इसकी अच्छी चीज़ ये है कि साड़ी जितना हैवी दिख रहा है ना, उतना ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ईजिली आप इसे ड्रैप कर लोगे। और ना कहीं भी पूजा फंक्शंस भी होगा या फिर मेहंदी का फंक्शन है, उसमें तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। पूजा फंक्शन में या फिर आप डेली टू डेली वियर करना चाहते हो ना, तो इस साड़ी के साथ डेफिनेटली आप जाना, आपको बिल्कुल पैसा वसूल वाली ये साड़ी रिसीव हो रही है। तो पूरी साड़ी इसी तरीके से बॉर्डर बेस की जाएगी, बीच बीच में आपको ये ग्रीन काफ़ी प्यारा सा ग्रीन मिल जाएगा
एंड इसमें इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको सबसे अच्छी चीज़ की लेस का वर्क भी मिल रहा है, तो बिल्कुल पैसा वसूल वाला आपको ये साड़ी मिलेगा। यहाँ पे अप्रॉक्स आपको 80 सेंटीमीटर आपको ब्लाउज का फैब्रिक भी रिसीव हो रहा है, जो कि अगेन आपको चुंदरी प्रिंट के साथ रिसीव हो रहा है। शाइन आई होप कि कैमरा कैप्चर कर रहा होगा, बहुत अच्छा सा शाइन है, बहुत ईजिली ड्रैप हो रही है साड़ी। एंड इसके ब्लाउज के फैब्रिक पे भी आपको इतना सारा गोटा पट्टी का वर्क मिल जाएगा, जो आप किसी भी डिज़ाइन में ईजिली यूज़ करवा सकते हो। नीचे के साइड में आपको फर्स्ट ड्रैपिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे गोटा पट्टी का वर्क स्टार्ट हो रहा है, ब्रॉकेट वाला लेस वर्क है, तो बहुत स्पेशल नहीं दिख रहा है। रेड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, तो वो साड़ी के अंदर ही मिक्स हो जा रहा है, अगर ग्रीन दिया होता तो शायद दिखता, पर ठीक है, साड़ी प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ बाइंग है, बहुत प्रीमियम लुक दे रही है पहनने के बाद, और सबसे अच्छी चीज़ की बहुत ईजिली ड्रैप हो जा रही है, तो डेफिनेटली आप इस बजट में इस साड़ी को परचेज करोगे ना, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, बिकॉज मीशो के प्रोडक्ट्स अगर इतने अच्छे मिल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसे परचेज कर लेना चाहिए। सो ये रही मेरी सेकेंड साड़ी, मूव ऑन करेंगे हम थर्ड की तरफ। सो गाइस अगेन थर्ड साड़ी भी मैंने ग्रीन ही पिक किया है, हल्दी फंक्शन मेहंदी फंक्शन के लिए या संगीत का फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो काफ़ी खूबसूरत से इसकी इमेज दिख रही थी तो मैंने इसे पिक कर लिया। साड़ी हाथ में आते ही काफ़ी हैवी वाली फीलिंग दे रही है, तो साड़ी का पहले आप शाइन देख लो, एंड ये शाइन साड़ी का इसलिए है बिकॉज ये सैटन का फैब्रिक आपको मिल रहा है, सैटन वाली जो साड़ियाँ आती हैं ना वो फैब्रिक है आपको। साड़ी काफ़ी हैवी है बिकॉज इस पे का वर्क काफ़ी हैवी कर दिया है साड़ी को, तो इस पे की वर्क भी काफ़ी फाइन है। अगेन आप चाहो ना तो किसी के वेडिंग फंक्शन में अगर आप जा रहे हो तो एज अ वेडिंग गेस्ट आप इस साड़ी को पहन के जा सकते हो, कलर ऑप्शंस भी ढेर सारे हैं। सो मैंने ये ग्रीन कलर में पिक किया है। यहाँ पे आपको ना जो आजकल वर्क चल रहे हैं वो वाला वर्क यहाँ पे मिलेगा, शीप का वर्क है, काफ़ी अच्छा सा शाइन है, बट हाँ ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बिकॉज मैं यहाँ आपको शो कर रही हूँ ना, तो ये यहीं से निकलना स्टार्ट हो गया है, तो इस तरीके का आपको बाकी वर्क मैं आपको शो कर दे रही हूँ। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का वर्क दिख रहा है बट प्रीमियम क्वालिटी का वर्क है नहीं बिकॉज ये अच्छे से स्टिक नहीं किया गया है, ये आई थिंक वन वॉश में सब कुछ बाहर निकल जाने वाला है, बट मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रही हूँ इसलिए मैं आपको शो बता दे रही हूँ, क्योंकि ये हाथ से टच करने पर ही पूरा निकल रहा है। तो साड़ी वैसे है बहुत खूबसूरत बट अगर इसका वर्क ही नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल काम का नहीं रहेगा, बट आप मेरे सजेशन से आप ना ही लो तो बेटर है, बाकी मैं लुक आपको जरूर शो कर दूंगी। तो इस तरीके से साड़ी आपकी पूरी जाने वाली है, काफ़ी हैवी सा वर्क बॉर्डर वेस का मिलेगा, गोल्डन का वर्क है ग्रीन पे, तो काफ़ी खूबसूरत सा निखर के आ रहा है, तो पूरी साड़ी पे जाएगी। लेंथ आपकी 5.5 मीटर साड़ी की प्रोवाइड की गई है, एंड यहाँ पे इसी साड़ी में अटैच करके आपको ब्लाउज का फैब्रिक भी प्रोवाइड किया गया है, अप्रॉक्स 80 सेंटीमीटर है, बट सेम कलर का है तो आप एक्स्ट्रा भी कट करा के फुल स्लीव्स भी चाहो तो बनवा सकते हो, बिकॉज अच्छा दिखेगा इस, अगर इसको ना एज अ लुक क्रिएट करना चाहते हो तो फुल स्लीव्स के साथ वी नेक के साथ इसका ब्लाउज बनवाओगे आप, बहुत सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे भी आपको इतना सारा वर्क मिल जाएगा लेस का। देन मैं आपको नीचे का एरिया शो कर दिया मैंने, अभी हम चलेंगे आंचल के साइड से ऊपर के एरिया में, तो यहाँ पे आंचल का ये एरिया आपको मैं शो कर रही हूँ। ये ऊपर के साइड में लेस वर्क आपको लगभग 2 मीटर के साइड में प्रोवाइड किया गया है, ये सीप का वर्क, तो इस तरीके के बॉर्डर बेस की ये साड़ी जाएगी, काफ़ी खूबसूरत लग रही है पहनने के बाद, बहुत सुंदर दिख रही थी एंड बहुत ईजिली ड्रैप भी हो जा रही थी, बट यस इसका जो वर्क है वो बहुत ईजिली निकल जा रहा है, तो आई डोंट नो एक वॉश के बाद इसका क्या होगा, बट हाँ ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, अगर आप वन टाइम वियर करना चाहते हो तो डेफिनेटली पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपको बार बार वियर करने का मन करेगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे, प्लेन ही आपको करना पड़ेगा, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसे परचेज करना चाहते हो कि नहीं, बिकॉज मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज अगर हम पैसे पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो मीशो के ऊपर ही 500 में बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिल जाती हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप परचेज करो, बाकी मेरे सजेशन से मैं आपको बोलूँगी कि आप बिल्कुल परचेज नहीं करना, बिकॉज वर्क नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं बनती है साड़ी की। सो ये रही मेरी थर्ड साड़ी, मूव ऑन करेंगे हम। सो गाइस जिस हॉल की मैंने थर्ड साड़ी ली है ना, बहुत खूबसूरत सी ये साड़ी ली है, एज अ वेडिंग गेस्ट आप जा रहे हो कहीं तो वहाँ इजीली ड्रैप करके जा सकते हो, प्लस साड़ी की प्राइसिंग आप सुनोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मैंने लिया था, अप्रॉक्स 400 के लिया था मैंने, तो वो आपको साइड में इमेज दिख जाएगी। यहाँ पे ये रही आपकी साड़ी, बहुत प्यारी सी, बहुत ज़्यादा लाइट वेट की ये साड़ी है, मैं आपको ओपन करके शो करती हूँ, एंड लाइट वेट के साथ काफ़ी हैवी सा लुक दे रही है, पूरी फॉइल प्रिंट के साथ ये साड़ी जाने वाली है।
सो मैं आपको साड़ी ओपन करती हूँ। कलर मैंने इसमें ये थोड़ा सा लिया है वाइन कलर। आपको कलर ऑप्शंस ढेर सारे इसके अंदर मिलने वाले हैं, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हो। सो साड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बॉर्डर बेस की साड़ी है। बीच बीच में ना आपको इस तरीके से छोटे छोटे से फ्लावर के प्रिंट मिल रहे हैं, एंड ये फॉइल प्रिंट है, काफ़ी ज़्यादा शाइनी है प्रिंट इसके। एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है थोड़ा सा टेसल्स के साथ इन्होंने बॉर्डर बना के दिया हुआ है। सो पूरी साड़ी इस तरीके से जाने वाली है। साड़ी की जो फैब्रिक आपको रिसीव हो रही है वो विचित्रा सिल्क है, तो बहुत इजीली ड्रैप हो जाता है, प्लस बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहता है कैरी करने के लिए। तो पूरा बॉर्डर बेस इस तरीके से जाने वाला है आपका। नीचे का साइड में शो कर रही हूँ, एंड ऊपर के साइड में भी आपको यही बॉर्डर मिलेगा। अभी मैं वो भी शो करती हूँ वो साइड भी। तो ये इस तरीके से जाने वाला है, एंड लेंथ काफ़ी परफेक्ट है साड़ी की, विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको ब्लाउज का फैब्रिक अटैच करके मिल रहा है, अप्रॉक्स 80 सेंटीमीटर ये भी है, बिकॉज ये इस तरीके से डबल फोल्ड करके स्टिच किया हुआ है। तो मैं इसे अगर मैं रेट करूँ ना तो 10/10 है ब्लाउज का फैब्रिक भी, बिकॉज प्रिंट थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड थोड़ा सा उभरा उभरा सा फॉइल प्रिंट का वर्क है, तो थोड़ा सा डिज़ाइनर पीस आप इससे बनवा सकते हो। सो ये रहा ब्लाउज। अभी मैं आपको इस साइड का भी शो कर दूँ, ये आई डोंट नो ऊपर का है कि नीचे का है। ओके, ये ऊपर का एरिया है, मतलब आपको सेम ऊपर नीचे सेम बॉर्डर मिल रहा है। साइन बहुत अच्छी है, बिल्कुल एज अ वेडिंग गेस्ट पहन के जाने लायक साड़ी है, बहुत अच्छी दिखेगी नाइट पार्टी के लिए, फंक्शंस के लिए, तो आप परफेक्ट जा सकते हो। प्राइस भी वर्थ द प्राइस है, डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो। कलर ऑप्शंस भी ढेर सारे हैं, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हो। सो ये रही मेरी नेक्स्ट साड़ी, मूव ऑन करेंगे हम आज के। सो गाइस, इस हॉल की मैंने नेक्स्ट साड़ी ली है। अभी सारा फंक्शन हमने अटेंड कर लिया, रात का टाइम आ गया, तो रात के टाइम पे ना मेरा मोस्ट फेवरेट कलर होता है ब्लैक। अगर किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा ब्लैक अलग दिखता है, सो इसलिए मैंने ब्लैक कलर की ये साड़ी ली है। काफ़ी खूबसूरत सी है, एंड काफ़ी ट्रेंडी है साड़ी, बिकॉज इस टाइम ये वर्क बहुत ज़्यादा चला है। अगेन आपको वही सीप का वर्क मिल जाएगा इस पर भी, बट यस, इसके सीप के वर्क ना काफ़ी स्ट्रांग है, जल्दी निकलने वाले नहीं है। उस पे के निकल रहे थे ग्रीन वाले पे, बिकॉज उसका फैब्रिक सैटन था, तो उस पे जल्दी कुछ स्टिक नहीं होता है, बट इसका फैब्रिक आपको साड़ी का मिल जाता है विचित्रा सिल्क, जो कि इजीली ड्रैप भी हो जाएगा, एंड काफी प्रॉपर से शाइन भी रहती है इस साड़ी के अंदर। तो मैं आपको साड़ी का पूरा लुक शो करती हूँ। ये अगेन आपको ना वो शीप वर्क मिलेगा जिसके थ्रू आपको बॉर्डर क्रिएट करके दिया हुआ है। पूरा मैं आपको साड़ी शो करती हूँ इस तरीके से, काफी ब्रॉड सा बॉर्डर बना के दिया हुआ है शीप वर्क के साथ, एंड ये ऊपर का साइड है, लगभग आपको 1.5 मीटर यहाँ पे वर्क मिल जाता है। देन साड़ी बिल्कुल प्लेन जा रही है, नीचे के साइड में आपको बॉर्डर मिलेगा जो मैं अभी शो कर रही हूँ, ऊपर के साइड में बिल्कुल प्लेन जाएगी साड़ी। एंड यहाँ पे आपको मीडियम क्वालिटी का मिल जाता है ब्लाउज का फैब्रिक, रिच नहीं है, बिल्कुल मीडियम वाली क्वालिटी है, आप बनवा भी सकते हो एंड स्किप भी कर सकते हो। ब्लैक ब्लाउज तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है, तो इस फैब्रिक का ब्लाउज बनवाने से बेटर रहेगा कि आप ना ही बनवाओ इसको, बिकॉज ये बहुत खखड़ा सा मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, तो मीडियम टू लो मैं बोलूँगी उस तरीके का है। इस पर भी आपको ये शीप वाले वर्क मिल जा रहे हैं। अगेन नीचे के साइड में आपको फर्स्ट रैपिंग खत्म होने के साथ साथ आपका सीप का वर्क स्टार्ट हो जा रहा है। साड़ी का फुल लुक आपको साइड में दिख रहा होगा, तो डिजाइनिंग ज्यादा क्लियर हो रही होगी। बाकी मैं आपको क्लोजअप में ये शो कर दे रही हूँ कि इसका वर्क इस तरीके का है। काफी अच्छी साड़ी है, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। किसी की आपकी क्लोज वन की शादी है, एंड स्पेशली अगर आप गर्ल हो ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट साड़ी है, बिकॉज बहुत ज्यादा प्राइजी भी नहीं है, प्लस बहुत ज्यादा क्लासी लुक भी दे रहा है। इजिली आप ड्रैप भी कर सकते हो एंड ईजिली कैरी भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा लाइट वेट की है। तो डेफिनेटली आप इस साड़ी को भी परचेज कर सकते हो। पैसा वसूल तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट ठीक है, पार्टी फंक्शंस के लिए परफेक्ट है, आप जा सकते हो। इतने कम प्राइस में आपको चाहिए ही क्या, बहुत अच्छी साड़ी है, आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हो। एंड ये रहा मेरा आज का एक छोटा सा ऑनेस्ट रिव्यू। मीशो का रिव्यू जब भी मैं करती हूँ तो मेरा ऑनेस्ट ही निकलता है, बिकॉज मीशो ने ना बहुत लोगों का दिल तोड़ रखा है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मुझे भी मीशो से बहुत रेयरली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अच्छे मिलते हैं, बट आज के वीडियो में से एक दो प्रोडक्ट ख़राब हैं, बट मोस्टली प्रोडक्ट अच्छे ही रिसीव हुए हैं, तो उनको मैंने एकदम क्लियर बोल दिया, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो ख़राब है वो ख़राब है, बाकी आपके ऊपर है, आपको जो पसंद आता है आप परचेज कर सकते हो। एंड ये रहा मेरा आज का एक छोटा सा हॉल वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, या फिर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा ना, तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आती रहूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।